नमस्कार, एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 20 अक्टूबर, कल के सेशन में हमने एग्री डेस्क के अंदर तेजी आती हुई देखी, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि पूरे एग्री पैक में एक सपोर्टिव न्यूज रही होगी। कल हमने काफी अच्छी तेजी पूरे एग्री पैक में बनते हुए देखी, जहां हमने सोयाबीन में 1.25% की तेजी, रिफाइन सोया में 0.5% की तेजी, मस्टर्ड में 0.25% की तेजी आती हुई देखी। कैस्टर में बार बार में प्राइजेस अब जाना जरूर है, बट 42 से 42.50 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाजिर मार्केट में मजबूती जरूर बनी है, बट फ्यूचर मार्केट में थोड़ी बिकवाली जरूर है, बट जो रेंज में रह सकती है। वहीं मसालों के अंदर भी हमने बेतहाशा अच्छी तेजी देखी है, जिस से बारिश फिर से एक्टिव है और कुछ डैमेजेस हमने तेलंगाना बेल्ट में आते हुए देखा, और साथ में जीरा और धनिया यहाँ पे हमने देखा अराइवल में एक रुकावट आई है, जिस से गुजरात एरियाज में बारिश बढ़ी है उसका भी एक इम्पैक्ट था। चेन्नई में 0.5% की तेजी के साथ मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। कॉटन कॉम्प्लेक्स में बेतहाशा अच्छी तेजी थी, बट उसके बावजूद हमने कॉटन सीड ऑयल की गिरावट आती हुई देखी, बट 1780-90 का रेंज काफी अच्छा है, यहाँ पे आपको जमा करके चलना चाहिए। गवार से गवार गम में भी हमने तेजी बनते हुए देखी है। आज के सेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम सोयाबीन की बात करें, इंटरनेशनल फैक्टर अभी भी तेज है, जो सोयाबीन को कंटिन्यू सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। कुछ डैमेज और रिपोर्ट हुआ है और इंटरनेशनल में भी तेजी के चलते आज भी सोयाबीन के प्राइसेस तेजी में रहेंगे, जब तक 4180 का लेवल ब्रीच नहीं करता है। काउंटर में तेजी रहेगी, जो 4300 से 4350 तक का भी लेवल दिखा देगा। वहीं रिफाइन सोया ऑयल 940 के ऊपर होल्ड होने पर 955 तक का लेवल दिखा देगा। मस्टर्ड टेक्निकली काफी ज्यादा ओवरबॉट है, बट 5550 के ऊपर काउंटर अभी भी स्ट्रांग है, जो 5680 से 5700 का भी लेवल दिखा सकता है। सोइंग अभी तक ज्यादा स्टार्ट नहीं हुई है, जिस दिन से हम बोल सकते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा, फेस्टिवल डिमांड बढ़ी हुई, ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए, नेफेड एक स्ट्रांग हम बोल सकते हैं फैक्टर रहेगा, जो प्राइसेस को अभी भी एज ऑफ नाउ सपोर्ट कर रहा है। कैस्टर रेंज बाउंड है, जबकि मसालों के अंदर हल्दी, जीरा और धनिया तीनों पे आप काउंटर पे ध्यान रखिए। खास करके अगर हल्दी की बात करें तो 6000 के ऊपर होल्ड होने पे करीबन 6250 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे। जीरे में भी 14000 के ऊपर होल्ड होने पे 14350 तक का लेवल दिखा सकता है। गवार से गवार गम आज दायरे में रहेंगे, थोड़ा पुल बैक मिले तो लेके ही काम करना है, ओवरऑल ध्यान तेजी का रहेगा। वहीं मेंथा ऑयल रेंज बाउंड है, सीपीओ में लेके काम कीजिए, और कॉटन में अभी भी तेजी बाकी है, जो कहीं ना कहीं अपसाइड के अंदर हम और बड़ी तेजी देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। धन्यवाद।